मुख्तलिफ तबकात में तकसीम दर तकसीम नजर आती है। बच्चा जो है फितरत पे पैदा होता है, उसके बाद उसके वालदैन का रोल आता है, वो उसको जो चाहते हैं वो बनाते हैं। और मोमिन हमारा घराना भी बने तो उसकी ज़िंदगी मोमिनाना इब्तिदा से ही शुरू होनी चाहिए। उम्मत उलमा से जुड़ जाए तो खैर फैलेगी, और अगर उम्मत उलमा से कट जाएगी तो बेदीनी फैल जाएगी। द कंटिन्यूस डिस्कॉर्ड अमंग डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट आर गोइंग ऑन डेली बेसिस। उलमाज बिलोंग टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, डिलीवर देयर मैसेज राइट इनटू द ऑडियंस। व्हाट डू यू थिंक, हैव उलमाज कलेक्टिवली फेल्ड to guide the masses? We will talk with different ulamas of Kashmir. Let us see what they have to say regarding the collective failure, guidance and acceptance of their message by audience. I am Yasir Yusuf reporting for Prime Post. Ulama maujooda daur mein apne mandobeen ko, apne musallin ko, apne mukhatibin ko us cheez ki taraf unki tawajjuh mabdul farmaye jo need of the hour hain, जो इस वक्त समाज की ज़रूरत है, मतलूब है। इस मामले में सबसे पहला जो हक बनता है वो ये है कि इस वक्त जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उनमें अलग अलग हसीयत के इश्यूज़ समाज में पाए जाते हैं। सबसे पहले हमें आज जिस इशू पर बात करने के लिए अपना ज़हन और अपना वजूद टटोलता है, तकादा करता है, वो ये है कि सोसाइटी हमें मुख्तलिफ तबकात में तकसीम दर तकसीम नज़र आती है। हर एक की अलग अलग बोली और हर एक की अलग अलग पहचान बनी हुई है, जिसके लिए मीडिया भी और आम इंसान भी उलमा को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि आवाम को जो इस वक्त मुख्तलिफ टोलियों में हम देखते हैं उसके ज़िम्मेदार उलमा ही हैं। जबकि ये बात शायद मेरे इल्म के लिहाज से हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझ जैसे तालिबे इल्म को अगर आप लोग उलमा की कैटेगरी में शुमार करोगे तो ये इट इज़ टोटली अनफॉर्चुनेट फॉर अस, ये हमारे लिए बदकिस्मती है। हम उलमा के तबका में शामिल और उनके हम वदन अपने आप को जब पेश करेंगे तो ये सोसाइटी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। अगर मैं असल में अगर देखा जाए कि ये गैप कहाँ से शुरू होती है, ये गैप वहीं से शुरू होती है जब से हमने अखलाकियात के दर्स को अपने मदारिस, अपने स्कूलों, अपने दर्सगाहों से जब वो गायब किया गया तो ये गैप मज़ीद बढ़ती गई। नतीजा आजकल हमारे सामने है कि अगरचे उलमाए किराम मेंबरों पे या मीडिया के थ्रू से जितने भी कोशिश करते हैं कि लोगों को सुधारने की और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की, इसमें हम देखते हैं कि लोग बहुत कम इसको कबूल करते हैं। मेरे नज़दीक तो इसके सबसे बड़ी वजह जो है वो वजह तरबियत का फुकदान है। जो तरबियत हम लोग नहीं कर पाते हैं, तरबियत के तौर पे जब हम देखेंगे कि अब तो वालदैन ने तो उसको इग्नोर किया हुआ होता है, जब ये फर्स्ट स्टेज पे ही इग्नोर हो चुका है, अब आगे के लिए उलमा का रोल तो बाद में आ जाता है, और वो रोल भी वो समझिए कि वो रोल अब वो नहीं रहा जो पहले ज़माने में रहा करता था। उसके भी बहुत सारी वजूहात हैं। अब उलमा का रोल जो है वो सिर्फ क्लासिक रह गया है, यानी वो रिवायती है। वो रिवायती क्या है कि हम जुमा के दिन अपना जुमे में जो हमें फरमाना है वो हम फरमाएंगे, लेकिन उसको एक्सेप्ट कौन कितना करता है, ये एक्सेप्ट करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरबियती सिस्टम होना चाहिए। वो तरबियती सिस्टम क्या है कि हम लोग आपस में जुड़े हुए आजकल नहीं है उतने जितने पिछले ज़माने में थे, क्योंकि आजकल के ज़माने में आप देखिए, अगर हम एक कमरे में बैठे हुए हैं तो सब अपने मोबाइल पर बैठे हुए हैं, यानी एक जगह रहते हुए भी अब इज्तिमाई सूरत नहीं है।
हम कहते हैं माशरा बिगड़ गया, माशरा तो मेरे और आपके अफराद के मजमूए का नाम है, मैं बिगड़ गया, मैं क्यों कहता हूँ माशरा बिगड़ गया, अपने को मैं इससे बाहर कर लेता हूँ, कहता हूँ माशरा बिगड़ गया। अल्लाह की कसम आज भी हमारा नौजवान ऐसा है कि अगर वो किसी बुराई में मुबतला है फिर वो वहाँ कोई दीन की दावत देने जाए ना, अगर बाज़ाहिर वो डांटता भी है, तुम ये क्यों कर रहे हो, तो गलत काम है, कोई हाथ नहीं उठाता, कोई वापस कुछ नहीं कहता। अब भी ऐसे ऐसे हमारे नौजवानों के अंदर ऐसी अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी है, लेकिन हम कहने वाले ही नहीं हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आज हारे क्या था कि अगर मैं कहूँगा कहते अपनी इज्जत बचा लो ना भाई, वहाँ जाओगे तो बेइज्जत हो जाओगे। भाई इज्जत किसके लिए फिर, जब दीन के काम नहीं आ जाएगी तो फिर किसके काम आ जाएगी। इज्जत भी दीन को लगानी है, अगर हम मिलजुल कर सारे दीन के उन्हें अपना अपना हिस्सा डाल दें, मतलब आप मीडिया वाले हैं, अगर अपने एतबार से आप मतलब अच्छी चीज़ों को मीडिया पर ले आएँ, बुरी चीज़ों को ना लाएँ, इसी तरह मसलन उलमा मुस्बत तरीके जैसे काम करते हैं, मुस्बत तरीके से यूथ को अपने करीब कर लें, उनके साथ जुड़ जाए, जवानों के साथ उम्मत के साथ जुड़ जाए, अलहदा ना रहे, उनके साथ जुड़ जाए और उम्मत भी उलमा के पास आती जाती रहे। अगर हम हर एक अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो हिस्सा इसमें डाल देंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह तो खुद फरमा इन तंसुर अल्लाह यंसुरकुम, तुम कुछ करो ना, तुम कुछ करो बाकी सब मैं करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं मजबूत इरादा जो करते हैं हम उंगली पकड़ के उसको मंजिल तक पहुँचाते हैं। इन चीज़ों की तरफ नज़र करते हुए एक मुसलमान को चाहिए कि अपने हर पहलू पे नज़र करके, अपने हर पहलू को बरोएकार ला करके, वो हर पहलू पे अल्लाह ताला के दीन को सबकत में रखे, सबसे आगे रखे, प्रायोरिटी में रखे, तो अल्लाह ताला हम लोगों को ज़रूर ऐसे हालात से निकलने का रास्ता इनायत फरमाएगा।